पार्लियामेंट हाउस में जो मत पड़े उनकी गणना हुई, उसके बाद में जो स्टेट्स असेंबलीज में वहाँ जो वोट पड़े सारे बैलेट बॉक्सेस को यहाँ लाया गया था, उनकी गणना चालू हुई और पूरी गणना करने के बाद में कोटा निकाला गया और जो कोटा था उससे अधिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट मिले और जिसके आधार पे मैं निर्वाचन अधिकारी होने के नाते मैंने ये डिक्लेरेशन अभी उनके सुपुर्द किया है। उनको कुल मिला के करीबन 64% वोट मिले। 15 ही वोट अमान्य हुए या उसके बाद ज्यादा हुए? नहीं, जो टोटल वोट अमान्य हुए 53 वो 53 हुए। हाँ, मैं आपको पूरा ही बता सकता हूँ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 2,824 वोट मिले, जिनकी जिनका मूल्य था 6,76,803 और यशवंत सिन्हा जी को 1,877 वोट मिले, जिनका मूल्य था 3,80,177।